हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनावत। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगा और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसके रेट कॉन्स्टेंट निकालना अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेक्ट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से निकाला जाता है अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें अपन। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लो, करेक्ट। कहने का मतलब ये है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूला ये बोल रहा है कि जो रेट लो है, अकॉर्डिंग टू रेट लो के अनुसार जो रेट हम निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो जो यहाँ पे ए और बी की अगर बात की जाए तो ए और बी क्या है यहाँ पे, ये ए और बी यहाँ पे हैं, ये ए और बी क्या है, एक तरह की पावर है ये, करेक्ट। किसकी पावर है ये, सॉरी ए और बी क्या है यहाँ पे, ये एक मोलर कंसंट्रेशन है, करेक्ट, मतलब रिएक्टेंट है ये, और इनकी पावर क्या है एक्स और वाई। तो इन जो रिएक्टेंट और जो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है एक्स और वाई, इनका जो सम होता है वही होता है क्या, ऑर्डर, करेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि किस तरह से होगा, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कि मान लो जैसे कोई रेट दे रखी है अपन कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, करेक्ट। अब इस केस के अंदर अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो इन पावर का सम देखेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे अपन, करेक्ट, तो कितना होगा, तो 1। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट, पता चल गया इससे आपको, करेक्ट। सेकंड अगर बात की जाए, सेकंड अपन देखेंगे किस तरह से देखेंगे, सेकंड अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड अपन देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरा, उसके अंदर जो रेट है वो दे रखी है अपन को के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2, करेक्ट। अब इस केस के अंदर अगर मैं आपको रेट लो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो इन पावर का सम देखेंगे अपन, हाफ बाई 3/2, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, मतलब 8/4, मतलब 2। तो ये क्या है, एक तरह की सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो इससे पता चल गया अपन को कि ये क्या है, एक तरह की सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके अंदर इसका जो रेट कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब अपन देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, करेक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उसके अंदर
कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर रेट दो तरह से निकाल सकते हैं। एक रेट निकालते हैं अपन माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन रेट इन चेंज इन टाइम, करेक्ट करेक्ट। दूसरा जो मेथड है रेट निकालने का वो क्या है, वो है रेट कांस्टेंट और इनटू रिएक्टेंट रिएक्टेंट की पावर वन, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला, करेक्ट। अब यहाँ पे वन क्यों लिखा, वन इसलिए लिखा क्योंकि ये अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, करेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिखा, करेक्ट। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो रेट है, इस रेट की जगह ये जो रेट है ना के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर वन, इसको मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं ये कर देता हूँ। तो इधर अगर मैं रखता हूँ तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर वन है, मतलब आर ही है, कहने का मतलब ये, करेक्ट, ये हो गया आपको। अब मैं क्या करूँगा कि इस आर को मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, करेक्ट, इस साइड में लाऊँगा अगर आर को, करेक्ट, अगर आर को मैं इस साइड में लाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन आर इजकल टू के, और ये डी टी इधर चला जाएगा, डी टी, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद में अब अपन क्या करते हैं कि ये जो माइनस है ना, अगर ये माइनस को अपन इधर लाते हैं तो इसको चेंज हो जाएगा डी आर बाई आर इजकल टू माइनस के डी टी, लिख सकते हैं अपन कुछ इस तरह से इसको, करेक्ट। अब ये लिखने के बाद में अपन क्या करते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, का इंटीग्रेशन कर देते हैं कुछ इस तरह से। और इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो वहाँ पे जो के है, के तो कांस्टेंट है तो के बाहर रहेगा, तो इसका तो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन नहीं होगा, करेक्ट, कुछ इस तरह से होगा, करेक्ट। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जब डी आर बाई आर का जब इंटीग्रेशन अपन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो क्या निकल के आता है, निकल के आता है एल एन आर, करेक्ट, इज इक्वल टू, और जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो डी है, डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये माइनस के टी बच जाएगा प्लस आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट, कुछ इस तरह से आ जाएगा अपना, करेक्ट। अब इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, करेक्ट, समझ में आ रही है चीज़ें। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि मान लो एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो की अगर बात की जाए, करेक्ट, अब एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो रेट है, जो आर है, जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आर नोट है, करेक्ट, आर नोट क्या है, एक तरह का इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जब आर नोट है, अब जब आर की जगह आर नोट अगर मैं पुटअप करता हूँ और टाइम ज़ीरो रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एल एन आर की जगह मैं आर नोट रखूँगा, आर नोट रख दिया मैंने, इजकल टू माइनस के ज़ीरो प्लस आई, करेक्ट, ये समझ में आ रही चीज़ें। अब हुआ क्या कि अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, करेक्ट, तो आया क्या यहाँ पे एल एन आर नोट इज इक्वल टू आई, करेक्ट, आई की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब यहाँ से अपनी इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है, जो आई है, इस आई की वैल्यू यहाँ से अपन को निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मेरी निकली है, इस इक्वेशन को मैं पुटअप करूँगा इसके अंदर जो आई की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं पुटअप करता हूँ आई की वैल्यू को, तो एल एन आर इज इक्वल टू
माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। आगे समझ में? करेक्ट। अब इस एल एन को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, दोनों एल एन है, तो एल एन ये आर नोट, इसको इधर ले जाऊँ, बात है कि अब अपॉन आर इज इक्वल टू के टी है। करेक्ट। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको समझ में नहीं आई हुई होगी कि किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन, इसके बीच में एक स्टेप और है जो स्क्रिप हो गया है अपना। जैसे मान लो ये एल एन है और ये आर है, करेक्ट। ये इधर समझाता हूँ आपको मैं, एल एन ये आर है माइनस एल एन आर नोट, इसको इधर ले गया ना मैं, इजकल टू माइनस के टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस एल एन की अगर बात की जाए, ये इक्वेशन डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी आपको, ये यहाँ पे स्टेप है, स्टेप अब मैं बताता हूँ। अब ये एल एन आर, इसको इधर ले जाऊँगा मैं, आर नोट नीचे हो जाएगा, इजकल टू माइनस के टी, ये माइनस इधर चला जाएगा, के टी हो जाएगा। करेक्ट। अब जब ये के टी, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये माइनस को अगर मैं इधर लाता हूँ, इस माइनस को इधर लाता हूँ, तो ये आर नोट ऊपर चला जाएगा। तो एल एन आर नोट बाई आर इजगल टू के टी। करेक्ट। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को अगर प्लस करता हूँ तो ये आर नोट ऊपर जाएगा ना। करेक्ट। समझ में आ रही है चीज़? अब ये इक्वेशन ये हो गई। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या है वो? वो ये है कि जो एल एन, जैसे मान लो कोई भी एल एन ए है, जो लोग ए है, उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है 2.303 लॉग ए। करेक्ट। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करता हूँ मैं, तो इस इक्वेशन के अंदर, तो 2.303 आर नोट अपॉन आर, सॉरी यहाँ पे लॉग आएगा, लॉग आर नोट अपॉन आर इजकल टू के टी। समझ में आ रहा है? अब ये टी को इधर ले जा सकता हूँ ना मैं, भाई ये जो टी है दिख रहा नहीं होगा आपको, दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या है कि 2.303 अपॉन टी, ये टी इधर ले गया मैं, लॉग आर नोट बाई आर इजकल टू के। करेक्ट। ये एक मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसका अगर अपन को रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला ही काम आएगा आपको, ओनली ये वाला। ये जो किस तरह से ड्राइव हुआ, ये सारी चीज़ें अपन को, जब अपन 12th की अगर बात की जाए, 12th क्लास के अंदर जब बोर्ड वगैरह का जो हमारा पेपर होता है, उसके अंदर पूछते हैं ये कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना बताओ। करेक्ट। वहाँ पे, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से बात करें अपन, नीट वगैरह जेई वगैरह की बात की जाए, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे अपने, वो क्वेश्चन इस डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से पुटअप होंगे। करेक्ट। तो वहाँ पे जो रेट कांस्टेंट अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। करेक्ट। ये आपको आना चाहिए। करेक्ट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा अपन ने, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट देखा। करेक्ट। तो थैंक यू।